ना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कलश अचानक वहाँ कैसे आ गया था? अब तो लोगों का उन मूर्खों पर भरोसा और भी अधिक हो गया है। ये धानू काका की चाल है राव। धानू काका और उनके उन मूर्ख दोतों को मैं अभी सबक सिखा कर आता हूँ। राव, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंध भक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। दाऊ, यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। तो ठीक है काना, इस बार अब बाहुबल के स्थान पर बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे। सत्य कह रहे हो दाऊ, ढोली कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, मात्र तुम ही बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो? किंतु स्मरण रहे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बुद्धि में भी और बल में भी। देखते हैं दाऊ। साहूकार जी, क्या आपने चाल चली है? अरे तुमने भी तो कमाल का अभिनय किया है। लाओ इसे मुझे लाओ। किंतु ये स्मरण रहे, ये रहस्य किसी के समक्ष उगलना मत, अन्यथा तुम मुझे जानते हो। यदि मैं देना जानता हूँ तो मैं सब कुछ छीनना भी जानता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साहूकार जी, ये रहस्य कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। बस आप एक कार्य करिए, इन स्वर्ण मुद्राओं से इस मुख को बंद कर दीजिए। लोभी कहीं के। हमने अपने आप को धोया है ना, कहने का मतलब हमने स्नान किया है ना, बस इसीलिए अपने आप को सुखा रहे हैं। ये क्या, देवता होकर ऐसा हास्यास्पद अभ्यास कर रहे हैं? नमन करता हूं मैं आप दोनों को। क्या माया है, अति उत्तम अति उत्तम। इसमें क्या लीला है साहूकार, तुम ही हमें बता दो, हम लोगों को तो समझ नहीं आ रहा। आप जैसे साधारण मनुष्य इन देवताओं की महिमा को कैसे समझेंगे? ये तो मात्र एक उदाहरण है इनकी सरलता का, मात्र एक। ए, ए, एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन करना असंभव है। और किंतु देखिए, ये कितनी सरलता से मात्र एक जोड़ी वस्त्रों में पूरा का पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। कितना सरल जीवन है इनका, और साथ में योगाभ्यास भी कर रहे हैं। अच्छा कहते हो साहूकार जी, तुम्हें पता था क्या भ्राता बुद्धू? ये तो मुझे भी नहीं पता था। आप सब कुछ करके अज्ञानी बन जाते हैं। आपको शत शत नमन प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये देवदूत नहीं है, ढोंगी है। बलराम धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। दाऊ, भक्ति में जितनी शक्ति होती है, अंध भक्ति में उससे कई गुना अधिक शक्ति होती है। यदि आपने उन्हें हाथ भी लगाया तो पूरा का पूरा गांव हमें गलत समझेगा। ऐसे तो इस अंध भक्ति से गांव वालों को मैं कभी मुक्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बाहुबल से नहीं बुद्धि बल का प्रयोग करना होगा।
क्षमा कीजिए, मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए लज्जित हूँ। आप दोनों देवदूतों का मैंने बहुत अपमान किया। मैं जानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, और मुझे ये भी पता है कि आपके समय कोई नहीं टिक सकता। हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। चलो, तुम्हें क्षमा किया मूर्ख बालक। और तो और, आप इस पर्वत से भी कूद जाएंगे तो आपका बाल विवाह का नहीं होगा। आप तो अमर है ना, है ना प्रभु? मैं सत्य कह रहा हूँ ना? हाँ, पहले जब हमें पता नहीं था, हमें चोट भी लगती थी। जब हमें पता चला कि हम भगवान हैं, तब तक हमें पता नहीं। क्यों भ्राता बुद्धू, हाँ भ्राता कद्दू। हाँ, अभी देख लेते हैं। आपके लिए तो ये बच्चों का खेल है। चलिए, चलकर दिखाइए। अभी क्या सोचाएगा? अरे अरे नहीं 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 नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ये बार बार प्रमाण नहीं दे सकते तुम्हें। जाओ यहाँ से। रुकिए, परीक्षण करने में बुराई ही क्या है? ये हुई ना देवता वाली बात। सुनो सुनो गांव वालों, ये तो निश्चिंत हुआ। आज हमारे दोनों देवता आप सभी को गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से आप कूद कर दिखाएंगे और सिद्ध कर देंगे कि वो देवों के देव है। क्यों दानु काका? समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी भी समय है। कब तक ऊपर रहेंगे? अब तो नीचे आ जाइए, अन्यथा कुछ अनर्थ हो जाएगा। साहूकार जी, हमें लगता है आप हमारे प्रसिद्धि से जलने लगे हैं, इसलिए आप हमें कूदने से मना कर रहे हैं। हम नीचे नहीं उतरेंगे, हम प्रमाण करके रहेंगे। हाँ हाँ, सही सोच रहे हैं आप। गांव वाले जानते हैं कि धानु काका दूसरों की सफलता नहीं देख पाते। आप इनकी बात मत सुनिएगा। बस एक छलांग और सत्य सबके सामने होगा कि हम देवता हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। क्यों भ्राता कद्दू, मारे छलांग? हाँ भ्राता बुद्धू देव, कूद जाओ। सत्यानाश हो गया, सब चला गया। कान्हा, इन दोनों की सहायता क्यों कर रहे हो तुम? दाऊ, हमारे लक्ष्य गांव वासियों का अंधविश्वास मिटाना है, ना कि किसी को आहत करना। और फिर ये दोनों तो मुझे निरे मूर्ख प्राणी ज्ञात होते हैं।
जो दानु काका के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। बुद्धू जी की जय, कद्दू जी की जय, बुद्धू जी की जय। इतनी ऊंचाई से गिरने के पश्चात भी इन मूर्खों को खरोंच भी नहीं आई, किंतु ये हुआ कैसे? कोई बात नहीं, जो भी हो लाभ तो मुझे ही होगा। कद्दू देव बुद्धू देव की, देव दूतों की, महादूतों की, देव दूतों की, देव दूतों की, कद्दू देव की, बुद्धू देव की, कद्दू देव की। आइए प्रभु आइए। ये कौन सा स्थान है फाते बुद्धू? ये तो हमें भी नहीं पता, ये तो साहूकार जी ही बताएंगे। प्रभु आपको यही सोना है? नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ कैसे सो सकते हैं? हम तो भगवान है ना, आपको पाप लगेगा पाप। कोई भगवान को ऐसे सुलाता है क्या? अरे प्रभु, कल रात्रि को आप मेरे स्वप्न में आए थे और आपने कहा था कि आपको यही सोना है, और प्रभु आपने ये भी कहा था कि आप भोजन भी नहीं करेंगे। क्या कहते हो भ्राता कद्दू, ऐसा हुआ था? हम साहूकार जी के स्वप्न में आए थे? हाँ भ्राता बुद्धू, मुझे भी कुछ ठीक से स्मरण नहीं आ रहा। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया, ये भी आपकी कोई लीला है। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ चमत्कार करने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ये सब यहाँ नहीं, ये सब गांव वालों के सामने। तो ठीक है साहूकार जी, आज हम यहीं सोएंगे। हाँ, और आज हम भोजन भी नहीं करेंगे। ठीक है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ। देवदूतों की जय, देवदूतों की जय। तो भाई और बहनों, आप सब तो जानते हैं कि हमारे इन देवदूतों ने आप सबके समक्ष अपनी शक्ति और प्रतिभा का कैसा प्रदर्शन किया था। तो इससे इन पर यह संदेह कि ये देवदूत हैं या नहीं बनता ही नहीं है। तो आइए इनका सम्मान कीजिए और अपनी श्रद्धा से भी बढ़कर चढ़ावा चढ़ाइए। आइए वाह प्रभु वाह, कितने ऊंचे विचार हैं आपके। हम सबकी शंका दूर करने के लिए आप गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी से कूद गए। वाह प्रभु वाह, अति उत्तम, हमारा जीवन तो धन्य हो गया प्रभु। आपकी नित नई लीलाओं को समझना हम साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। आप पहले क्यों नहीं प्रकट हुए प्रभु? वृंदावन वासियों पर बहुत सी विपदाएं आई। प्रभु अब आप दोनों हमारे गांव को छोड़कर कभी मत जाइएगा, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। यदि आपने प्रभु का अनुसरण किया तो प्रभु हमारा गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये सदैव अपने परमार्थ के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। और बहनों और भाइयों, देखिए मैं कुछ दिखाता हूं आपको, प्रभु के परमार्थ का नया रूप। ये देखिए बहनों भाइयों, ये है प्रभु का परम आनंद तेल, और ये कुछ साधारण तेल नहीं है, इस तेल को प्रभु ने स्वयं अपने कर कमलों से बनाया है। बड़ा ही दिव्य तेल है ये, यदि आप सब अपने घरों में इस तेल के दिए जलाएंगे तो आपके घरों से ही नहीं आपके जीवन से भी अंधकार समाप्त हो जाएगा,
यदि आप सब भी अपना जीवन आनंदमय बनाना चाहते हैं तो मात्र 2 स्वर्ण मुद्राओं में ये तेल क्रय कीजिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। यदि आपको परम आनंद तेल चाहिए तो 2 मुद्राएं लगेंगी और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। दाऊ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी का ना। दाऊ, अपने छोटे भाई से भला कोई ऐसे क्रोधित होता है? मेरा कहना कभी भी नहीं मानते हो ना? नहीं दाऊ, ऐसी बात नहीं है। दाऊ, भला आप जैसे बुद्धिमान और बलवान भाई की बात ना मानने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? दीदी, कैसी मूर्खता की तुमने? तुमने उस कद्दूदेव और बुद्धदेव की रक्षा की। कितनी अच्छी योजना बनाई थी मैंने। तुमने उन दोनों की रक्षा कर ये सिद्ध कर दिया कि वो दोनों वास्तव में देवदूत है। अब देखो, कानू काका उन महामूर्खों के नाम से सबके धन ऐठ रहे हैं। सारे गांववासी इन दोनों को देवता मान चुके हैं। अपना धानु काका का लालच समाप्त होगा और ना लोगों की अंधभक्ति। बहुत बड़ी विपदा आने वाली है वृंदावन में। प्रभु, आपके लिए हमारी कौन सी विपदा बड़ी है? इस विपदा से बचने का कोई तो उपाय होगा। इस विपदा से बचने के लिए तुम सबके पास एक ही उपाय है। राम प्रमुख नंद को अपने पद का त्याग करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। इस गांव के नए ग्राम प्रमुख साहूकार धनपति होंगे। प्रभु, क्या आपके पास कोई अन्य उपाय नहीं? बस एक यही मात्र उपाय है। अगर इसको नहीं माना गया तो अपने नाश का उत्तरदायी स्वयं वृंदावनवासी होंगे। अद्भुत, दोनों मूर्खों ने मेरे षड्यंत्र को बखूबी वृंदावन वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया। क्यों भ्राता कद्दूदेव? हाँ भ्राता बुद्धूदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। नंद को अपना पद और इस गांव को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये सब भ्रम है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी समस्या का अंत उसे हल करने से होता है, इस तरह के व्यर्थ उपायों से नहीं। और अभी तक तो हमें कोई संकट नहीं दिखा। शांत हो जाओ बलराम, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हम सबकी भलाई के लिए कह रहे होंगे। यदि हमारे वृंदावन छोड़ने से वृंदावन का भला होता है तो हम वृंदावन छोड़कर अवश्य जाएंगे। और हाँ, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, आप सब लोग इसे माने क्योंकि ये स्वयं प्रभु का आदेश है।
वृंदावनवासियों, मैं हूं आपका नया नंद साहूकार धनुपते। सदैव खुश रहो। आप लोगों से अलग होकर जीना बहुत मुश्किल होगा, किंतु हृदय में पत्थर रखकर हमें जीना होगा। प्रभु की आज्ञा हमें पालन करना होगा इसका। यशोदा बहन, बहुत ही कठिन घड़ी है, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मित्रों, आप सबसे मेरा एक निवेदन है, जिस प्रकार से इतने वर्षों तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, ठीक उसी प्रकार से जो नए काम प्रभु उनको भी सहयोग करिए। एक परिवार, एक मनुष्य, ये मायने नहीं रखते। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ग्रामवासी सुखी होने चाहिए। अपना अपना ध्यान रखिएगा। अब तो अति हो गई, उस धनुका को बाबा का पद मिल गया और हम सबको गांव से निकाला। ये दोनों मूर्ख ऐसे नहीं समझेंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा। कान्हा, क्या हुआ मित्रों, तुम सब इतने उदास क्यों हो? कान्हा, हमारी बाल टोली गाँव और तुम्हारे बिन अधूरी ही रह जाएगी। फिर ना खेलने में आनंद आएगा और ना माखन चुराने में। कान्हा, हाँ मित्रों, हम भी तुमसे बिछड़ना नहीं चाहते, किंतु ये गांव वालों का निर्णय है, अब हमें इसे बिना उदास हुए प्रेम से स्वीकार करना होगा। हाँ, हम एक कार्य कर सकते हैं, जब तक हम साथ हैं तब तक हम मित्रता का आनंद थोड़ा और ले लेते हैं। कान्हा, देखो ललिता और विशाखा तुम्हारे जाने के बाद से बहुत दुखी हैं। ये सब कह रही हैं कि इन्हें तुम्हारी बहुत याद आएगी, और मैं भी दुखी हूँ, किंतु तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बांसुरी के मीठे स्वरों के लिए। अब कौन हमें बांसुरी सुनाएगा? राधा, तुम्हारी सखियों का दुख दूर करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, किंतु राधा, तुम्हारे दुख को तो मैं दूर कर सकता हूँ। उसका एक उपाय है मेरे पास। जब भी तुम्हें मेरी बांसुरी सुननी होगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, लो ये माखन खाओ, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। राधा, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे इस माखन की बहुत याद आएगी। अब
जाते हुए कह रहे हो तो ठीक है, आज तुम मुझे सखी कह सकते हो। एक बात कहूँ, अब माखन बनाने में मुझे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि कोई माखन चुराने वाला होगा ही नहीं कान्हा। कहाँ जा रहा है तू? लल्ला हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है, तो अभी कहीं मत जा। मैया, मुझे उन देवदूतों से अंतिम बार भेंट करनी है, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय लल्ला को देवदूतों से महत्वपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? ईश्वर, कहीं फिर से वो उन्हें कुछ कहकर उनका अपमान न कर दे। अरे रोकिए उसे, उस दिन भी मैंने उसे अपनी सौगंध देकर रोका था, रोकिए उसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम प्रभु से नहीं मिल सकते। और कृष्णा, तुम जाते जाते क्या करना चाहते हो? नहीं, मुझे उनसे मिलना है। यहाँ गए तुम्हारे पिताश्री, आप समझाते क्यों नहीं अपने लल्ला को? प्रभु से मिलने का हट कर रहा है ये, किंतु प्रभु अभी नहीं मिल सकते क्योंकि वो ध्यानावस्था में है। कान्हा पुत्र। नहीं बाबा, मैं उन देवदूतों से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख रहे हो अपने बालक का हट है? उद्दंड बालक कहीं गए? हमें कृष्णा से मिलना है। प्रभु, हे प्रभु, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बोलना है आपको? हे प्रभु, आज आप मेरे स्वप्न में आए थे। मैं धन्य हो गया प्रभु। अच्छा, तो हम अब तुम्हारे स्वप्न में भी आने लगे, हम सबके स्वप्न में आने लगे। क्या बात है भ्राता बुद्धू देव। हाँ भ्राता कद्दू देव, हम देवता है ना, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। तुम्हारे स्वप्न में प्रभु ने तुमको क्या कहा होगा? कहा होगा तुम गांव छोड़कर नहीं जा सकते। यही कहोगे ना तुम? नहीं धानु काका, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रभु ने हम सबको गांव छोड़कर जाने के लिए कहा है, और उसके साथ हमें ये भी कहा है कि जो नया ग्राम प्रमुख है उसे इस पद के लिए 4 उपाय करने होंगे। कभी वृंदावन पर आया हुआ संकट टल सकता है। ये साहूकार को क्या धुन सवार हुई है? आज से पहले इन्हें इतना आश्रम करते हुए कभी नहीं देखा। प्रभु, ये
प्रथम उपाय। आप ही ने तो कहा था कि जानू काका को पद ग्रहण करने के लिए श्रम दान करना होगा। क्यों भाई बुद्धू देव, हमने ऐसा कहा था क्या? हाँ भाई कद्दू देव, ये तो कृष्ण ही बताएगा। क्यों कृष्णा, हमने ऐसा कहा था क्या? हाँ प्रभु, आप ही ने ऐसा कहा था। नए ग्राम प्रमुख के श्रम दान से भूमि पुराने ग्राम प्रमुख के श्रम दान से मुक्त हो जाएगी। हाँ कान्हा, ये हुई ना बात। अच्छा अब बताओ आगे क्या करने वाले हो? यदि मैं अभी बता दूंगा तो आनंद कैसे आएगा? अभी तो बहुत शेष है। प्रथम उपाय ये था, तो दूसरा उपाय क्या था? लो ले जाओ, तुम भी ले जाओ, धनपति का धन ले जाओ, सब ले जाओ। प्रभु ने ऐसा क्या कह दिया जो कंजूस धनुपति अपने ही हाथों से अपना धन लुटाने लगा? प्रमुख ने कहा था कि बाबा सभी गांववासियों की बहुत सहायता करते हैं और अपना बहुत सा धन गांव वालों की सहायता के लिए दिया करते हैं। इसी कारण लोग उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। नए ग्राम प्रमुख को नंद बाबा से भी अधिक धन राशि का दान करना होगा, तभी यह सिद्ध होगा कि नया ग्राम प्रमुख अपने पद के लिए उपयुक्त है। साहूकार जी, आप ये एक एक मुट्ठी क्यों दे रहे हैं? कम से कम दो दो मुट्ठी स्वर्ण मुद्राएं सबको दीजिए ना। हाँ तो कृष्णा, अब तो साहूकार जी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब आप हमें बताइए, हमने तीसरा उपाय आपको क्या बताया था स्वप्न में? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और नहीं करने वाला हूँ, मुझे नहीं चाहिए तीसरा उपाय। नू काका, इस बार आपको कुछ नहीं करना है, इस बार बस आपको खड़े रहना है। जो करेंगे हमारे प्रभु करेंगे। अच्छा, खड़ा तो रह सकता हूँ मैं। ऐसे खड़े होने के लिए थोड़ी हामी भरी थी मैंने। आप समझ नहीं रहे हो, आप प्रभु ये किस चलिए की बात मान रहे हैं आप? अच्छा क्या बोल रहा है ये? दानू काका, ये मैंने नहीं कहा था, ये तो प्रभु ने कहा था कि पुराने ग्राम प्रमुख ने गांव वासियों के लिए बहुत से सुख सहन किए हैं और बहुत सी पीड़ा भी सही है। नए ग्राम प्रमुख को पुराने ग्राम प्रमुख के इस ऋण से मुक्त होना होगा और इस कार्य को आप दोनों अपने कर कमलों से स्वयं करेंगे। आप दानू काका को इतना कष्ट देंगे कि उनकी सहन शक्ति समाप्त हो जाए और वो गिर ना पड़े। प्रभु प्रभु, यह सत्य बोल रहा है। ये क्या कह रहे हो साहूकार? जानते नहीं हो,
देवता किसी के भी सपनों में आ सकते हैं। ये कोई देवता देवता नहीं है, ये कोई देवदूत नहीं है। क्या कहा? हम देवता नहीं है? तुमने ये कहने का दुस्साहस कैसे किया? हाँ भ्राता बुद्धू देव, अब सोचना क्या है, मारो इसे। अरे फिर बहाल निकल गया। अच्छा कृष्णा, ये उपाय भी कर दिया हमने, अब चौथा उपाय भी बताओ हमें। नहीं नहीं, उपाय की बात मत कीजिए, उपाय की बात मत कीजिए। मेरी देह में केवल प्राण बचे, वो भी ले लोगे क्या? चुप, एकदम चुप। अन्यथा मुझे तीसरा उपाय फिर से दोहराना पड़ेगा। दूसरा उपाय? नहीं। क्या समझे साहूकार जी? हाँ तो कृष्णा, ये उपाय तो कर दिया हमने, चौथा उपाय क्या बताया था हमने स्वप्न में? कान्हा, इन मूर्खों का पूजन करवाकर तुम इनका भ्रम क्यों और बढ़ा रहे हो? देखते जाओ दाऊ। पूजन समाप्त हुआ, अब शंखनाद किया जाए।